आपका फिर से स्वागत हमारे चैनल पे। और काफी सारे अपडेट्स निकल के आ रही हैं आज के दिन पे, ओटीटी जो रिलीज होने वाली है, जैसे कि द कश्मीर फाइल्स की कब ओटीटी रिलीज होने वाली है, वाली माई का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज हुई है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद में बात करने वाले हम अमिताभ बच्चन सर की जो झुंड आई थी उसकी ओटीटी रिलीज के बारे में, और उसके बाद में गंगूबाई जो मोस्ट एंटिसिपेटेड अभी मूवी है, तो इन सभी मूवी की ओटीटी रिलीज कब होने वाली है इसके बारे में टोटल बात करने वाले हैं एग्जैक्ट डेट के साथ में। तो दोस्तों अगर आप में चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के मूवी रिव्यूज और मूवीज की अपडेट्स के लिए। अब तो लोग सीधे चलते हैं अपने पहले मूवी जो ओटीटी पर रिलीज होने वाली है वली भाई के बारे में। तो वली भाई, मैं इससे पहले उसके 6 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि वली भाई हिंदी के साथ साथ में जितने भी रीजनल उसकी लैंग्वेज रिलीज की गई है वो आपको 25 मार्च को देखने को मिल जाएगी G5 पर। पर अभी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है उसके रिगार्डिंग ये कंफर्म हो चुका है कि 25 मार्च को आपको G5 में सभी लैंग्वेज के साथ वाली में आपको देखने को मिल जाएगी। उसके लिए मैं थम्स अप कहूंगा। अगर हम बात करते हैं सेकंड मूवी के बारे में जिसका नाम है झुंड, तो इसकी जो ओटीटी रिलीज है वो निकल के लिए 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को आप लोग G5 के लिए ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट है, जो भी ऐप आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, तो उस मूवी को आप लोग 8 अप्रैल को देख सकते हैं झुंड मूवी को। उसके बाद में अगर हम थर्ड मूवी की बात करें जिसकी काफी ज्यादा एंटिसिपेशन है और द कश्मीर फाइल्स के बारे में, तो ये मूवी ना इतनी ज्यादा भी मतलब कि थिएटर रन हो रही है। इसकी जो वीक थी वो 1 महीने की रखी गई थी, मगर फिल्म जब बैंग ऑन कर रही है ना थिएटर पे, तो इसको मार्केटिंग को और इसकी जो क्रेज को देखते हुए इसके जो ओटीटी राइट्स है उसके बीच में थिएटर राइट्स के बीच में गैप को थोड़ा सा और बढ़ाया गया है। अब ये फिल्म आप लोगों को 6 मई को देखने को मिल जाएगी ओटीटी। ये मूवी भी आप लोगों को G5 के प्लेटफॉर्म पर ही देखने को मिल जाएगा 6 मई। उसके बाद में बात करूं जिस मूवी ने इतनी अच्छी हाइप कमाई और इतनी सारी फिल्म रिलीज होने के बाद भी कई सारे थिएटर्स पर भी वो रन कर रही है। जी हाँ दोस्तों, जो फोर्थ निकल के आ रही है ओटीटी रिलीज, गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में, जिसमें स्टारर में आलिया भट्ट थी। तो ये मूवी आप लोगों को 25 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी फिल्म। तो इसी तरह के मूवी के अपडेट्स और ओटीटी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।